हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो पावर ऑफ स्टॉक्स, जो सुभाषीष सर है उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है ट्रैफिक लाइट, वो स्ट्रैटेजी के बारे में, उसको और एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ मेरा जो सेटअप है उसको हम ऐड करेंगे उसके साथ में, उसको क्लब करेंगे, जो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सेटअप है, जो चार लाइन वाला सेटअप, अगर आपने नहीं देखा है तो आप, मैं वीडियो के आए बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको पहले देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा उसको ट्रैफिक लाइट सेटअप के साथ में कैसे क्लब करके ट्रेड करना है। तो इससे क्या होने वाला है, आपकी एक्यूरेसी जो अगर आप ट्रैफिक लाइट का सेटअप यूज़ करते हैं तो उसको इसके साथ में क्लब करने से आपकी एक्यूरेसी और बढ़ने वाली है। तो हम उसको लाइव चार्ट्स में भी ट्राई करने वाले हैं, जो मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की चार लाइन वाली स्ट्रैटेजी है उसको इसके साथ में क्लब करके, ट्रैफिक लाइट के साथ में क्लब करके हम उसको और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं, जो बेसिकली इंट्रोड्यूस की है ट्रैफिक लाइट स्ट्रैटेजी, जो सुभाषीष सर है पावर स्टॉक वाले, उन्होंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए वो इंट्रोड्यूस की है। बहुत ही अच्छा सेटअप है वो ट्रैफिक लाइट उनका, क्योंकि उसके ऊपर मैंने भी बहुत दिन ट्रेड किया था, एकदम बढ़िया उनका सेटअप है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम, जिसको शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है उसने भी अगर इसको यूज़ कर लिया तो वो भी आसानी से ट्रेड कर सकता है। लेकिन इसको मेरे स्ट्रैटेजी के साथ में, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप क्लब करोगे, और उसके साथ में हम एक EMA भी यूज़ करने वाले हैं जो 21 EMA है, तो आपको उसका एग्जिट तो उन्होंने बता दिया है कि जब पेयर बनेगा एक रेड और एक ग्रीन वाला, उसके साथ में आप एंट्री करने, स्टॉप लॉस आपको पता है कहाँ पे रखना है, लेकिन एग्जिट हमें कहाँ पे करना है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, तो मेरा वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो सेटअप है उसको हम पहले अप्लाई करते हैं। इस दिन आज 28 तारीख है, 28 अगस्त, तो इस दिन के ट्रेडिंग के लिए हमें मेरे सेटअप के हिसाब से एक दिन पहले वाले हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। वो किस तरह से ड्रॉ करने हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसका आई बटन में उसका लिंक वीडियो दे दूँगा, आपको दिख रहा होगा शायद, वो आप पहले देख लो। इसको अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले वो सेटअप देख लो, फिर आपको ये समझ में आएगा ये इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो जिन्होंने भी ये देखा हुआ है उनको पता चल रहा होगा कि ये मैंने चार लाइन वाला जो सेटअप है वो मैंने कैसे ड्रॉ कर दिया। तो चलो, हमारा ये सेटअप बन गया है आज के दिन के ट्रेडिंग के लिए। हमने एक दिन पहले वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बने थे उनको हमने मार्क कर लिया है, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ऐड करनी है जो है EMA 21 आपको कैसे यहाँ पे प्लॉट करना है वो तो सबको पता ही होगा। इसमें सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 21 EMA आपको लगा देना है और ओके कर देना है। तो इस स्ट्रैटेजी को, ट्रैफिक लाइट जो है, तो सुभाषीष सर ने बोला है 1 मिनट में कर सकते हो, 2 मिनट में कर सकते हो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में कर सकते हो। तो मैं 2 मिनट का आपको सजेशन दूंगा कि 2 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, तो चलिए आज के दिन में देखते हैं हमारा सेटअप कहाँ पे बनता है और इसको कैसे यूज करना है। तो देखो, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कल के लिए कल ड्रॉ करके रखा था उसी के बीच में खुल रहा है। पहले ये, अगर ये देखिए, ये वाला जो ट्रैफिक लाइट्स स्ट्रैटेजी जो है, ये पावर ऑफ स्टॉक वाला है, पावर ऑफ स्टॉक जो है चैनल उनका, अगर जिसको भी पता नहीं है उसको समझने के लिए अभी अगर मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ये वीडियो जो है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं सुभाषीष सर का, पावर ऑफ स्टॉक वाला। और आपको मेरा वाला सेटअप अगर देखना है तो ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से। तो ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो है, ये चार लाइन वाला, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक नंबर वाला, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, इसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो कि एक्चुअली वो जो चार लाइन वाला सेटअप है वो आपको कैसे प्लॉट करना है। तो चलो इसको समझते हैं पहले। तो देखो, जब भी मार्केट स्टार्ट हो जाएगा,
शुरू होता है। सवनों पहले सुबह से सर ने भी बोला है कि पहले वोलाटाइल होती है, पहले एक दो कैंडल, तो उसको पहले आपको छोड़ देना है, उसके बाद में आपको सेटअप ढूंढना है। तो चलो हम ऐसा समझते हैं कि हमने 10 बजे तक ट्रेड नहीं किया, अभी यहाँ पे 10:10 हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, ये मेरा व्हाइट वाला है तो आप इसको ग्रीन समझ सकते हो, तो इसको हमें मार्क करना है। तो इसका आपको बेनिफिट मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। देखो ये हमने प्लॉट कर लिया, इसको इसका हाई और इसका लो आपको रेड वाला जो है जिसका भी हाई और लो ज़्यादा है उस कैंडल को आपको मार्क कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था मार्केट यहाँ पे नीचे जाके फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बार 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 बार, और उसके बाद में अगर ये बन रहा है तो हमारे लिए एक्यूरेसी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था प्लस इसका ये EMA का बेनिफिट ऐसे होने वाला है कि ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। सपोर्ट भी था प्लस हमारा EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी है और यहाँ पे EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो हमने ये जो दो कैंडल थी इसमें जिसका हाई और लो ज़्यादा था उसको हमने मार्क कर लिया। अभी जिस भी साइड वो ब्रेक करने वाला है तो उस तरफ हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। यही वाला उनका सेटअप है, अगर ये नीचे हमारे इसके सपोर्ट को तोड़ देता तो हम यहाँ पे टारगेट रख सकते थे, और अब यहाँ पे इसने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया है, तो हम 5 मिनट में इसको मार्क कर लिए है पहले, उसके बाद में हमें जाना है 3 मिनट में, ठीक है। आपको इन द मनी वाला ऑप्शन लेना है, डीप थोड़ा सा डीप इन द मनी लेंगे तो आपको थोड़े से मूवमेंट में भी अच्छे से पॉइंट मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, इस कैंडल पे भी अगर आप एंट्री लेते 3 मिनट में और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, और हमें कंफर्मेशन और क्या था, ये अभी EMA के ऊपर चल रहा था, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने वाले थे, मतलब यहाँ पे हम कॉल खरीदते, ठीक है। तो इसका हमें दूसरा बेनिफिट ये होने वाला है कि हम एंट्री तो हमने ले ली, समझो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, छोटा सा स्टॉप लॉस बन गया, लेकिन अभी इसको एग्जिट कहाँ पे करना है, 3 मिनट में एग्जिट भी इसका क्राइटेरिया हमारा रहेगा 3 मिनट का, ये आज का ही है 28 अगस्त का, तो देख लो इसने हमें एग्जिट कहाँ पे दी, एग्जिट हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा कन्फर्मेशन चाहिए तो आप वेट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ने हमें एंट्री एग्जिट कहाँ पे दिया, देखो ये देखो आपका प्रॉफिट, देखो आपने एंट्री यहाँ पे लिया था, मैं तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को, आपको समझ में आएगा हमारा एंट्री कहाँ पे हुआ था। देखो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है, स्टॉप लॉस के पास तो बिल्कुल आया ही नहीं, लेकिन अभी हमें मारना है एग्जिट, तो एग्जिट हम कहाँ करने वाले हैं, तो देखो जब भी मार्केट नीचे आएगा और ये 21 EMA जो है इसके नीचे किसी कैंडल ने जब भी आपका क्लोजिंग दे दिया, किसी कैंडल ने 20 EMA के नीचे जब भी क्लोजिंग दे दिया तो हमें यहाँ पे एग्जिट मार लेना है, तब तक हमें एग्जिट नहीं करना है क्योंकि ये 21 EMA के ऊपर ही चल रहा है चल रहा है, जब तक चल रहा है आपको आप उसको प्रॉफिट को ट्रेल करते करते उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, जब तक चल रहा है आप उसको एग्जिट मारना नहीं है, मतलब ये हो जाएगा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, एंट्री स्कैल्पिंग एकदम छोटे टाइम फ्रेम में जैसे स्कैल्पर लोग एंट्री करते हैं हम एंट्री वैसे ही लेने वाले हैं 3 मिनट में, इसको हम ड्रॉ करेंगे 5 मिनट में, हमारा जो उनका जो ट्रैफिक लाइट सेटअप है जो कैंडल हमें देखनी है वो 5 मिनट में देखनी है, 5 मिनट के चार्ट पे देखनी है, और एंट्री हमें लेनी है 3 मिनट के चार्ट पे, तो हमें स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा और एंट्री भी हमारी फटाफट हो जाएगी, और उसके साथ में हमें देखना है ये जो 4 लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये उसके ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है या इसको कहाँ कौन सी साइड तोड़ रहा है, तो इसको आप क्लब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा बेनिफिट होने वाला है, आपकी ट्रेड भी एक्यूरेसी भी अच्छे होने वाली है, आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है इससे, तो इसको आप पहले बैक टेस्ट कर लो, जो मैंने ये सेटअप आपको समझा है इसको आप पहले बैक टेस्ट कर लो, इसको प्लॉट करना सीख लो, जिसने भी नहीं देखा है वो 4 लाइन वाला सेटअप तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन वो शायद क्लिकेबल नहीं है अभी तक, तो उसको आप कॉपी करके
सर्च कर सकते हो। तो ये वाला जो सेटअप है आप यूज़ करके देखना, और ये दोनों में काम करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काम करेगा। इसके लिए सिर्फ आपको इसको ट्रैफिक लाइट के साथ में क्लब करना है, जो चार लाइन वाला मेरा सेटअप है उसको, और 21 EMA को आपको सिर्फ प्लॉट करना है उसके साथ में क्लब करना है, और इसको उस तीनों का कंफर्मेशन लेके आपको उसको ट्रेड करना है, तो आपकी एक्यूरेसी 100% बढ़ने वाली है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाते रहने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, आगे भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर लो, आपके ट्रेडिंग में उसके लिए हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे सेटअप में इजीली तरीके से जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बनाने वाला हूँ। थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।